आफ्टरनून टू एवरीवन। आज जो हम जो टॉपिक करेंगे वो है हमारे पास सेपरेशन। सेपरेशन सेपरेशन इंटू रियल एंड इमेजिनरी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन चैप्टर 9 कर रहे हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास 9 चैप्टर है। फर्स्ट एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। अब सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है, ठीक है, चाहे सर्कुलर फंक्शन हो चाहे हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि और सारे फॉर्मूले हम सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक के सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। सर्कुलर फंक्शन के चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं और हाइपरबोलिक फंक्शन के चैप्टर 9 के फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेपरेट सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट पार्ट्स किस किस का करना है। दो पार्ट्स दे रखे हैं इसके। फर्स्ट पार्ट दे रखा हमारे पास टेंजेंट एक्स प्लस आयोटा वाई, और सेकेंड पार्ट में हमारे पास लिखा है कोसिकेंट एक्स प्लस आयोटा वाई। कैसे करेंगे हम इसको देखेंगे। टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस साइन एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बन जाए, रियल बन जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोस एक्स माइनस आयोटा वाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ऊपर है हमारे पास साइन एक्स प्लस आयोटा वाई और कोस एक्स माइनस आयोटा वाई, और नीचे हमारे पास कोस एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू कोस एक्स माइनस आयोटा वाई। और अब हम क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टू से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ऐसा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है टू साइन सी कोस डी का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले साइन है आपके पास और फिर कोस है, तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, तो ये देख लीजिए। तो ये है आपके पास टू साइन सी कोस टी, तो टू साइन सी कोस टी का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। फिर होता है आपके पास प्लस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय टू कोस सी इंटू कोस डी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है। दोनों टर्म अगर आपके पास कोस की दे रखी है तो आपके पास इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास कोस सी टू कोस सी कोस डी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होगा, कोस सी प्लस डी प्लस कोस सी माइनस डी। तो कोस सी प्लस डी में क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, और प्लस कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस माइनस एक्स, फिर ये माइनस था इसलिए प्लस हो जाएगा आपके पास। आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास टू एक्स आएगा और यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में तो आपके पास यहाँ आ गया साइन टू एक्स,
और यहाँ क्या आया आपके पास साइन टू आयोटा वाई, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया आपके पास कोस टू एक्स, और यहाँ क्या आ गया आपके पास कोस टू आयोटा वाई। तो ये आपके पास एजिटिव रहेगा साइन टू एक्स, और इसको आप हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, और जब आप इसको हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा साइन साइन हाइपरबोलिक टू वाई, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस ऑफ टू एक्स प्लस में, और ये हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो आपके पास आएगा कोस हाइपरबोलिक टू वाई। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो तो क्या था, आपको क्या करना है इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया कि साइन टू एक्स के नीचे डिनोमिनेटर आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा नहीं है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड जो टर्म है उसमें आयोटा था, और ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास क्या था साइन हाइपरबोलिक टू वाई, और नीचे क्या आएगा आपके पास सेम डिनोमिनेटर आएगा कोस टू एक्स प्लस में कोस हाइपरबोलिक टू वाई। तो आपके पास रियल पार्ट क्या हो जाएगा रियल ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा कोस टू एक्स प्लस में कोस हाइपरबोलिक टू वाई। और इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्या होगा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा आई एम से लिखते हैं इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस आयोटा वाई क्या आ जाएगा आपके पास ये साइन अपॉन है, और दूसरा आपके पास क्या है साइन हाइपरबोलिक टू वाई डिवाइडेड बाई कोस ऑफ टू एक्स प्लस में कोस हाइपरबोलिक टू वाई। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें फाइंड आउट करने थे, तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट। इसमें लिखा था सेपरेट द रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो क्वेश्चन आपको यहीं तक करना है सिर्फ। अगर पूछा जाता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है तो हमें ये आगे करना है, अदरवाइज आपको यहीं तक करना है इसको, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या है कि कोसिकेंट, तो कोसिकेंट को क्या लिख सकते हम वन अपॉन साइन, तो ये सेकेंड पार्ट को लेके चल रहे हैं, और सेकेंड पार्ट में हमारे पास है कोसिकेंट एक्स प्लस आयोटा वाई, और सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने टेंजेंट को किया था। तो ये आपके पास क्या बन गया यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, और आप इससे क्या करोगे इसके किससे करोगे इसको इसके कंजुगेट से करोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, और जब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या टर्म आ जाएगी यहाँ पर साइन एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। और टू से मल्टीप्लाई करेंगे और टू से डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं इसका, तो जैसे ही हम डिनोमिनेटर में इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो किसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर टू साइन सी साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, और टू साइन सी साइन डी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है वो देख लीजिएगा। लेकिन न्यूमरेटर में आपके पास कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर साइन सी माइनस डी या साइन ए माइनस बी, तो टू ऑलरेडी था यहाँ पर, तो क्या होता है फॉर्मूला साइन ए कोस बी मीन्स साइन एक्स कोस आयोटा वाई, फिर माइनस है यहाँ पर तो माइनस आएगा कोस ऑफ एक्स साइन आयोटा वाई, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर का फॉर्मूला आपको पता है कि इसमें कोस का होता है तो पहले माइनस होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो कोस ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, और बीच में होता है माइनस और ये होगा कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस में एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ आपके पास x कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ आपके पास आयोटा वाई कैंसिल हो रहा है, तो न्यूमरेटर में तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर साइन x, और ये क्या हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक y, लेकिन यहाँ आपके पास क्या आएगा कोस ऑफ x, और ये आयोटा की टर्म आएगी और इसको हमने लिख दिया साइन हाइपरबोलिक y इंटू आयोटा, आयोटा को हमने पहले लिख दिया है। यहाँ आ गया आपके पास कोस ऑफ टू आयोटा वाई कोस ऑफ टू आयोटा वाई माइनस में कोस ऑफ टू एक्स, ठीक है। और अब इसको हमें रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना है, तो आपके पास न्यूमरेटर में तो क्या आ गया टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास इसको हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो क्या आएगा कोस हाइपरबोलिक टू वाई
माइनस में कोस ऑफ टू एक्स, और यहाँ माइनस आएगा आयोटा हो जाएगा, और आपके पास टर्म क्या होगी, कोस ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक वाई, और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपके पास यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस में कोस ऑफ टू एक्स। यहाँ से माइनस कोस माइनस कॉमन लेके यहाँ इसको प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रियल और इमेजनरी पार्ट आपको सेपरेट करने थे, तो रियल और इमेजनरी पार्ट इस तरह से हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें भी आपको क्या करना है, रियल और इमेजनरी पार्ट को ही सेपरेट करना है इसको, रियल और इमेजनरी पार्ट। ठीक है, सेपरेट द फॉलोइंग इनटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, वही करना है, सेम क्वेश्चन है, सेपरेट द फॉलोइंग इनटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पर हाइपरबोलिक, उसमें क्या था, सर्कुलर था आपके पास, और यहाँ हाइपरबोलिक दे रखा है, तो क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में आपके पास लिखा है टेंजेंट हाइपरबोलिक, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हाइपरबोलिक का हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसको हम कैसे लिखते हैं, साइन हाइपरबोलिक को क्या लिख सकते हैं हम, वन अपॉन आयोटा साइन आयोटा एक्स, एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन आयोटा, और ये हो गया आपके पास साइन आयोटा एक्स प्लस वाई, ठीक है, आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस वन, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया आपके पास। और अब आप क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये तो था वन अपॉन आयोटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन बी का मतलब साइन वाई। और अब हम इसको कैसे लिखते हैं, वन अपॉन आयोटा, और इसको हाइपरबोलिक में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और ये क्या हो गया आपके पास, कोस वाई, माइनस ये क्या आ जाएगा आपके पास, कोस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन वाई। और अब आयोटा से डिवाइड कर देंगे इसको, और जैसे ही आयोटा से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, यहाँ फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, और ये हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई माइनस, और यहाँ माइनस को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर से एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आयोटा हो जाएगा, तो ये हो गया कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू में साइन वाई, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया माइनस को, तो हम लिख सकते हैं माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर, और फिर आयोटा से डिवाइड किया, इसलिए यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, आयोटा आ गया। और रियल पार्ट क्या हो गया इसका, रियल ऑफ, अगर इसको हम गिवन फंक्शन को जड़ मान लेते हैं, तो रियल ऑफ जड़ आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू में कोस ऑफ वाई, और इमेजनरी ऑफ जड़ क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू में साइन वाई। तो आपको सेपरेट करना था रियल और इमेजनरी पार्ट को, तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा है, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसको हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वन अपॉन आयोटा टेंजेंट आयोटा एक्स, तो आयोटा एक्स करेंगे तो आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, लेकिन
आयोटा से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया आयोटा एक्स माइनस में वाई, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, और इसको हम फिर कैसे करेंगे, माइनस आयोटा लिख सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर दें इसको, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से डिवाइड कर दिया, आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो गया और ऊपर आपके पास आयोटा था, और ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस सॉरी आयोटा एक्स यहाँ है प्लस, ठीक है। तो ये था आपके पास, क्योंकि आयोटा स्क्वायर था इसलिए ये क्या बन गया था आपके पास, क्या टर्म बन गई थी, देखिएगा आयोटा एक्स माइनस वाई है ये, तो आयोटा एक्स माइनस वाई, यहाँ भी आयोटा एक्स माइनस वाई, और फिर हमने कैसे सिंप्लीफाई किया था, इसके कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, और जैसे इसका कंजुगेट से करेंगे तो आपके पास क्या करोगे, इसको हम कोस ऑफ आयोटा एक्स प्लस में वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, और फिर टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और फिर हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला हमने प्रीवियस उसमें लगाया था, साइन ए प्लस बी दैट मीन्स आयोटा एक्स माइनस वाई प्लस में आयोटा एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी हो गया, फिर आएगा प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए, ए का मतलब क्या हो गया आपके पास आयोटा एक्स माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, और आपके पास कोस ए इंटू कोस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, कोस ए प्लस बी आयोटा एक्स माइनस वाई प्लस कर रहे हैं तो आयोटा एक्स प्लस वाई, और बीच में आपके पास यहाँ प्लस आएगा और यहाँ आएगा कोस आयोटा एक्स माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स माइनस के वाई, ये टर्म आपके पास आ गई, यहाँ वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आयोटा एक्स से आयोटा एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आयोटा तो बाहर था आपके पास, आपको रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना है, तो ये तो हो गया आपके पास आयोटा, और न्यूमरेटर में क्या आ गया आपके पास साइन टू आयोटा एक्स, और यहाँ क्या आया आपके पास माइनस साइन टू वाई, माइनस साइन माइनस टू वाई आएगा, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है इसलिए मैंने यहाँ माइनस कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या आया आपके पास कोस ऑफ टू आयोटा एक्स, और यहाँ फोर्थ क्वार्टर में ये पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं सिंपल क्या कोस टू वाई, और फिर इसको हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो अपने पास आएगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक टू एक्स माइनस साइन टू वाई, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास ये टर्म हाइपरबोलिक में चेंज कर देंगे तो कोस हाइपरबोलिक टू एक्स प्लस कोस टू वाई, और इसी तरह से क्या आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक टू एक्स प्लस कोस टू वाई, लेकिन आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वेयर बन जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ आयोटा से तो माइनस को बाहर कर देते हैं तो ये आ गया आपके पास साइन हाइपरबोलिक टू एक्स डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक टू एक्स प्लस में कोस टू वाई, और ये माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आ जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास साइन टू वाई डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक टू एक्स प्लस में कोस ऑफ टू वाई, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव आएंगे, ये रियल पार्ट हो गया आपके पास और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो इनको हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को टेंजेंट हाइपरबोलिक के केस में, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, ये हमारे पास ऊपर मैंने शायद किया था यहाँ पर वन अपॉन आयोटा, ये टेंजेंट की टर्म थी, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ये था आपके पास माइनस का आयोटा था, ये मिस्टेक कर दिए यहाँ पर, ये यहाँ पर माइनस का आयोटा था इसलिए यहाँ भी क्या आएगा आपके पास माइनस, और आपके पास नेक्स्ट स्टेप में भी क्या आएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके पास दोनों ही क्या आएंगे प्लस के आएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारे पास वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि इफ आपके पास ये वैल्यू दे रखी है साइन यू प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू क्या लिखा है आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट
प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, दो पार्ट दे रखे हैं. फर्स्ट पार्ट में तो आपके पास लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इज इक्वल टू वन. ठीक है. और सेकंड पार्ट में आपके पास क्या लिखा है यहाँ पर, सेकंड पार्ट में है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर यू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर यू इज इक्वल टू वन. तो दो पार्ट है इसके, वही पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे और फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए हमें एक टर्म दे रखी है साइन यू प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. तो पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं. तो एक्स प्लस आयोटा वाई में कुछ नहीं करना, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं. और फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन यू कोस वी, बी का मतलब आयोटा बी प्लस साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी. साइन बी का मतलब हो गया आयोटा बी, साइन आयोटा बी. ठीक है. और अब हम क्या करेंगे, इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लेंगे. और हाइपरबोलिक में चेंज करने के बाद अपने पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू साइन यू और ये हो गया कोस हाइपरबोलिक बी. और यहाँ आएगा आपके पास आयोटा कोस ऑफ यू इंटू में साइन हाइपरबोलिक बी. और अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे. तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट. तो अपने पास रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएंगे, एक बार ये थोड़ा प्रॉपर लिख देते हैं हमको. आई आई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट. ठीक है. ठीक है. तो क्या आ जाएगा अपने पास, x इज इक्वल टू तो क्या आ गया यहाँ पर साइन यू कोस हाइपरबोलिक b. और y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास यहाँ पर कोस u साइन हाइपरबोलिक b. तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट. तो एक बार तो हम क्या करते हैं, x अपॉन में कोस हाइपरबोलिक b इज इक्वल टू साइन u लिख लेते हैं. और इधर लिख लेते हैं हम y अपॉन में साइन हाइपरबोलिक b इज इक्वल टू कोस u. और इन दोनों को क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग और एडिंग. ठीक है. और स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे इन दोनों को, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड. तो अपने पास क्या आ जाएगा, वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर यू प्लस में कोस स्क्वायर यू. और ये क्या होता है, वन. तो ये फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया, हैंस ट्रू. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. और सेकंड पार्ट में क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है. अब हम करेंगे सेकंड पार्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. क्या लिखोगे आप, एक्स अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन में क्या था आपके पास, साइन यू प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास कोस हाइपरबोलिक वी. और वाई अपॉन में कोस ऑफ यू इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक वी. ठीक है. इसको थर्ड और फोर्थ दिया था उसको, तो इसको क्या दे देते हैं, सेकेंड और थर्ड था यहाँ तो, और ये हो गया फोर्थ एंड फिफ्थ. तो अब हम फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ, तो स्केयरिंग एंड, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग. इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ. तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा ये देख लीजिएगा. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्थ इक्वेशन तो थी अपने पास ये एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर यू माइनस फिफ्थ इक्वेशन थी आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन कोस, तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर. और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक
स्क्वेयर वी माइनस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर वी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हो गया आपके पास सेकंड पार्ट। तो आपको ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इस तरह से करने थे। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करवाए, इसमें क्या करना था आपको, सेपरेट करना था रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो इस तरह से हम करेंगे, 3 एग्जाम्पल और बच गए, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और यहाँ तक आप कर लीजिएगा, फिर इसकी आपको एक्सरसाइज सेंड